students, once again we are ready with our new topic, conversation of English. बच्चों आज का सब्जेक्ट इंग्लिश कैसे बोले, ये हमारे भारतीय छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है. हम बहुत घबराते हैं इंग्लिश बोलते समय. तो हम ये दावा तो नहीं कर रहे हैं कि आपको कुछ दिनों में अंग्रेज बना देंगे, लेकिन आपके जो मन का भय है उसको जरूर हम निकाल सकते हैं. छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों से किस तरह से अंग्रेजी के करीब पहुंच करके बिना घबराए अच्छी सी इंग्लिश बोल सकते हैं. आइए हम देखते हैं आज के टॉपिक से सर्वोदय अकेडमी सीखी में प्रतिदिन आपको नए नए विषयों पर क्लासेस मिलेंगी. और आज हम ले रहे ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश कन्वर्सेशन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. शुरुआत में एक पॉइंट से करना चाहेंगे, हार्ट लाइक डोर्स विल ओपन विद ईज टू वेरी लिटिल कीज, दैट्स थैंक यू एंड प्लीज. हार्ट लाइक डोर्स, हमारा हार्ट एक डोर की तरह दरवाजे की तरह है. किसी का भी जो हार्ट होता है वो दरवाजे की तरह बंद होता है. विल ओपन विद ईज, लेकिन हम उसको आसानी से खोल सकते हैं, दूसरे के दिल में जगह बना सकते हैं. टू वेरी लिटिल कीज, और उसके लिए सिर्फ दो छोटी छोटी चाबियां हैं, कीज हैं हमारे पास, और वो क्या है, दैट्स थैंक यू एंड प्लीज. बस करना को ये है कि जब भी हम कभी बातचीत करें तो हर बात में प्लीज जरूर बोलें. इट्स हम्बलनेस, ये विनम्रता है. हमें जब भी किससे बात करें प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करें, प्लीज, और थैंक यू बोलने की आदत डालें. थैंक यू स्पेलिंग है THANKYOU. थैंक यू, हम जब किसी से बात करें तो थैंक यू जरूर बोलें. और अगला शब्द है हमारा सॉरी. जरा भी कोई मिस्टेक होने पर हमें जरूर सॉरी बोलना चाहिए. साथ ही जब किसी से हमारा काम हो जाए तो वेलकम जरूर बोलें. बहुत अच्छी बात है ये. तो पहला शब्द हुआ थैंक यू, आफ्टर प्लीज, सॉरी, वेलकम. और जब किसी को आपने मुबारक देनी हो, बधाई देनी हो, तो बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और एक चीज, देने के लिए आप स्वीट ड्रीम्स भी बोल सकते हैं. स्वीट
और यदि किसी से पूरे दिन के लिए शुभकामना देनी हो तो आप बोल सकते हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। तो सब बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे फॉलो मी प्लीज, थैंक यू मैम, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मैम, सॉरी सर, वेलकम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हेलो डियर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स डियर, हैव ए नाइस डे। तो वी होप इन सभी वर्ड्स को अपनी डेली प्रैक्टिस में आप लेकर के आएंगे। हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपकी आज फर्स्ट डे स्टार्टिंग क्लास है, इसमें आपको सबसे पहले हाउ टू ग्रीट समवन, जब भी आपकी पहली मुलाकात किससे होती है, आप कहीं जाते हैं या कोई आपके घर आता है तो किन वर्ड से कैसे उसका रेस्पेक्ट किया जाता है, और सिंपल बोलचाल की भाषा में किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम आशा करते हैं हमारे सभी होनहार बच्चे एवरीडे हर सेंटेंस में किसी ना किसी ऐसे वर्ड्स का यूज जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।